सरकारी शाळेमध्ये इंग्लिश मीडियम झालेली आहे। मी सुद्धा माझ्या मुलांना सरकारी शाळेमध्ये पाठवत आहे। म्हणून तुम्ही सुद्धा तुमच्या मुलांना सरकारी शाळेत पाठवा। धन्यवाद। नमस्कार, माय मावली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। बेला मंडल में स्थानीय विधायक जोगू रामाना ने जो वादा किया था, हेटी शिवालय के लिए 50,000 रुपए, भेदोड़ा गांव में शिवाजी महाराज के पुतले के लिए 50,000 रुपए और गुड़ा गांव के राम मंदिर के लिए 50,000 रुपए सरपंच और MPTC के हाथ में दिए गए अपने रकम में से। ग्रंथालय चेयरमैन आर मनोहर ने कहा है कि विधायक जोगू रामाना डेवलपमेंट के साथ साथ जहां पर जरूरत होती है वहां खुद के पैसे भी लगाते हैं। इनके साथ वरिष्ठ नेता गंभीर ठाकरे, सरपंच इंद्रशेखर, विपिन मंगेश ठाकरे, माजी सरपंच देवन्ना ओलवार मौजूद थे। तसेच भेदोळ्या आल्या युवत मुलाला सरपंच MPTC त्यांना जो गोष्ट दिली की शिवाजी महाराजच्या पुतळ्यासाठी 50,000 रुपये देतो म्हणून म्हटले, आज तिने MPTC सरपंच गावाला देण्यात आले। तसेच गुड़ामध्ये राम मंदिरसाठी 50,000 रुपये पर्सनल जे देतो म्हटले, तर गुड़ा सरपंच आणि गुड़ाच्या गावकऱ्यांना बुजुर्गांना ते 50,000 रुपये देण्यात आले। असे गव्हर्नमेंट तर्फे डेव्हलपमेंट तर करतच आहे। उदाहरण गुड़ाले 15 ते 20 लाख 25 लाख पर्यंत देतो म्हटले, पण पर्सनल सुद्धा जोगू रामाना साहब हर एक गावात डेव्हलपमेंट अलग व्यक्तिगत भी 50-50 हजार रुपये हर एक केला। आज जे बाजीराव महाराजची मूर्ती असू द्या, आज जे कुंभराम भीमची मूर्ती असू द्या, कुंभराम सुरू असू द्या, आज शिवाजी महाराजची मूर्ती असू द्या, हर एक गावाल्यांना परवा अहिल्याबाई ओडकर सांगलीमध्ये सुद्धा दिले। हर एक धर्माला, हर एक जातीला, हर एक धर्माला रेस्पेक्ट करने वाले आपले MLA माननीय श्री जोगू रामाना साहबला बेला मंडलच्या लीडरातर्फे, प्रजातर्फे, युवकातर्फे, सगळ्यातर्फे जोगू रामाना साहबला कोटी कोटी धन्यवाद।